हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एग्ज़ाम क्रैकपॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि कल से व्हाट्सएप फेसबुक का जितना सारा ग्रुप है वो ग्रुप में एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि DRDO का जो रिसेंटली एग्ज़ाम जो कि 15 से 18 तारीख का बीच में हुआ था CVT Tier 1, वो क्या कैंसिल हो गया है। एक नोटिफिकेशन जो है वो आ रहा है वो ग्रुप में, चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन में है, DRDO का लोगो दिया हुआ है और सेप्टम 09 का ही है जो कि 15 से 18 का बीच में हुआ था CVT। तो उसमें लिखा हुआ है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर ऑनलाइन एग्ज़ाम व्हिच हेल्ड बिटवीन 15 दिसंबर टू 18 दिसंबर हैज़ बीन कैंसल्ड टिल फर्दर इंफॉर्मेशन। वी होप यू विल अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच वी हैव टेकन दिस डिसीजन। We once again sincerely apologize for the inconvenience caused. Please regularly visit our site for further updation. तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये पता नहीं किसने बनाया है और कैसे बनाया है, और ये जो न्यूज़ है ये पूरा एकदम 100% फेक है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। कोई एक बंदा चाहे फोटोशॉप यूज़ करके या कुछ भी करके इसको एडिट करके बनाया होगा मेरा हिसाब से। और DRDO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वहाँ पर जा कर के चेक किया हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में, अभी तक कुछ नहीं है। और आई होप कि वो कैंसिल फर्दर इन फ्यूचर भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अपडेट टेक्नोलॉजी यूज़ करके लिया गया है, तो कैंसिल होने का कुछ बात ही नहीं है। और ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन या स्टेटमेंट उन लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें दिया नहीं है। तो दोस्तों, आप ये सब न्यूज़ क्या है ना, ये सब न्यूज़ आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो RRBJEE और सेल और NTPC या कुछ भी WBPSC वीडियो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब न्यूज़ क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्ट कर देता है अपना माइंड जो है। तो ये सब न्यूज़ पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वैसे बहुत सारा न्यूज़ आता रहेगा। कुछ दिन पहले RRB का भी आया था ऐसा एक न्यूज़, तो वो झूठ था, पूरा झूठ था। तो आप कुछ भी, मतलब ये सब न्यूज़ में ध्यान मत दीजिए, जस्ट अपना प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपको कोई बंदा ये वीडियो या ऐसा टाइप का वीडियो और PDF कुछ भी भेजेगा, आप उसको डाउनलोड करिए और उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिए कि उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो उसको फॉरवर्ड करिए कि ऐसा ऐसा बात है भाई, देख लो क्या करना है। और अगर वैसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो उसको वहीं पर रद्द कर दीजिए और दूसरा ग्रुप में मत भेजिए। और जो आपको भेजा था उसको भी बोल दीजिए कि भाई ऐसा न्यूज़ मत भेजो, ये फेक न्यूज़ है। क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है ना, 1 सेकंड टाइम नहीं लगता है वायरल होने में। और बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग क्या करता है, ये सब न्यूज़ को, मतलब वो लोग सोच लेता है कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन कि हाँ भाई ये सच है। और उन लोगों का माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि RINL का भी कैंसिल हुआ था, DRDO का भी हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा करके मतलब वो लोग सोचता रहता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये सब न्यूज़ में ध्यान मत दीजिए, ये पूरा का पूरा 100% फेक न्यूज़ है। आप लोग प्रिपरेशन करिए बढ़िया से। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।